नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज आम आदमी पार्टी प्रयागराज ने प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती नीलम यादव व राष्ट्रीय परिषद की सदस्य श्रीमती शिमला श्री त्रिपाठी के नेतृत्व में सुभाष चौराहे पर बलात्कारियों के खिलाफ एक व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया। ध्यातव्य है कि योगी की निरंकुश सरकार ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि बलात्कारियों को चिन्हित करके उनकी तस्वीर चौराहे पर लगाई जाएगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उसी की मांग करते हुए आज जब आम आदमी पार्टी प्रयागराज ने सुभाष चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए यह मांग की कि भाजपा सरकार में उपस्थित जितने भी बलात्कारी नेता व पदाधिकारी हैं उनको सबसे पहले चिन्हित करते हुए उनकी तस्वीरों को चौराहे पर लगाया जाए। आम आदमी पार्टी के सदस्यगण जब भाजपा समर्थित नेताओं व सदस्यों का नाम उजागर करते हुए प्रदर्शन कर रही थी, जिसमें चिन्मयानंद, कुलदीप सेंगर, इन सबको समर्थन देने वाले साक्षी महाराज, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, श्याम प्रकाश द्विवेदी, नरेंद्र उपाध्याय व अन्य भाजपा के बलात्कारी नेता आदि शामिल हैं। उसी वक्त योगी सरकार की पुलिस ने डंडे के जोर पर आम आदमी पार्टी की महिला सदस्यों को घसीटना शुरू किया तो व्यापक स्तर पर विरोध होना शुरू हो गया, लेकिन योगी पुलिस ने जबरन सभी महिला कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए हिरासत में ले लिया। कि अगर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की एहतियात नहीं बरती जाएगी, उनकी सुरक्षा को न्याय नहीं दिया जाएगा, तो आम आदमी पार्टी पूरे दिन लगातार निरंतर वो सड़क पे खड़ी रहेगी, आंदोलन करती रहेगी। क्योंकि तेरी ताना सारी नहीं चलेगी, आज हम लोगों को सारे इलाहाबाद के साथियों को गिरफ्तार किया है पुलिस के दम पे। गुंडागर्दी योगी सरकार कर रही है, मैं ये नारा देती हूँ, पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।